इस बार सावन का महीना बेहद खास माना जा रहा है। इस पावन महीने की शुरुआत सोमवार से हो रही है, साथ ही इसका समापन भी सोमवार के दिन ही होगा, जिसमें 5 सोमवार पड़ने वाले हैं। इसके अलावा इस बार कई दुर्लभ संयोग भी बन रहा है। सावन मास की शुरुआत सर्वार्थ सिद्धि, प्रीति योग और आयुष्मान योग में हो रही है। 22 जुलाई से इस महीने की शुरुआत होगी और इससे पहले 21 जुलाई को रात 9:11 से प्रीत योग शुरू होगा, जो कि 22 जुलाई की शाम 5:58 तक रहेगा। वहीं 22 जुलाई की सुबह 5:37 से रात 10:11 तक सर्वार्थ सिद्धि योग निर्मित होगा, जबकि आयुष्मान योग शाम 5:58 से शुरू होगा, जो 23 जुलाई की दोपहर 2:36 पर समाप्त होगा। वैसे तो पूरे साल ही साधक भोलेनाथ की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के महीने की बात ही अलग है। ये महीना शिव को बहुत प्रिय है, क्योंकि इस माह में खूब पानी बरसता है और कहा जाता है कि भगवान शिव को जल तत्व से बेहद लगाव है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक मनचाहा वरदान पाने के लिए सावन के सभी सोमवार का व्रत जरूर रखना चाहिए। संकल्प कर किए गए व्रत से भोलेनाथ साधक की मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। पंचांग के मुताबिक 22 जुलाई से सावन का महीना शुरू होगा और 19 अगस्त को ये समाप्त हो जाएगा। इस पवित्र महीने में शिव भक्त भोलेनाथ को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तरह तरह की चीज़ें शिव को अर्पित करते हैं, लेकिन ऐसी कुछ खास चीज़ें हैं जिनको चढ़ाने से भगवान शिव भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं, उनके जीवन से गरीबी और कलेश खत्म कर देते हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक भगवान भोलेनाथ किसी चीज़ के नहीं बल्कि भाव के भूखे हैं और मात्र एक लोटा जल चढ़ाने से ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि सावन के हर सोमवार को शिवलिंग पर जल जरूर अर्पित करें। जल अगर गंगा जल हो तो और भी अच्छा माना जाता है, वरना सामान्य जल में भी गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर जलाभिषेक कर सकते हैं। भगवान शिव को गंगा जल अत्यंत प्रिय है। इसके अलावा इस जल में अक्षत भी मिला देना चाहिए, लेकिन चढ़ाते वक्त ये जरूर ध्यान देना चाहिए कि चावल के दाने खंडित ना हो। मान्यता है कि शिवलिंग पर अक्षत चढ़ाने से आर्थिक परेशानी से निजात मिलती है। इतना ही नहीं, यदि कर्ज की परेशानी हो तो कर्जों से भी छुटकारा मिलता है। कहा जाता है कि भोलेनाथ को चंदन, बिलपत्र, इत्र और गन्ने का रस के साथ साथ गौरी शंकर रुद्राक्ष भी बेहद पसंद है। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक जलाभिषेक करने के बाद शिव को चंदन अवश्य लगाएं। आप सफ़ेद या लाल चंदन लगा सकते हैं। मान्यता है कि भगवान को चंदन अर्पित करने से मान सम्मान और यश की प्राप्ति होती है। भगवान शिव को 3 समूह वाली और बिना कटी फटी बेलपत्र शिवलिंग पर जरूर अर्पित करना चाहिए। मान्यता है कि इसे चढ़ाने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती है। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।